अरे भिड़े भाई, क्या बात है? मीटिंग है, चेयर लगाऊं? अरे नहीं भाई, कोई मीटिंग नहीं है, सुविचार लिखना, लेकिन भिड़े को कुछ सूझ ही नहीं रहा। मेरे पास एक सुविचार है, निकालू? बोलू? बोलो बोलो बोलो। जीतता वही है जिसके पास है तेज घोड़ा। तबड़क तबड़क तबड़क। इरशाद इरशाद। जीतता वही है जिसके पास तेज है घोड़ा। तबड़क तबड़क तबड़क। जीत कर जश्न बनाना हो तो हाजिर है अब्दुल भाई का सोड़ा। एक मिनट, ये सुविचार लिखना हमें सोड़ी यहाँ पे, तुम्हारे शॉप की एडवर्टाइज नहीं करनी है। भलाई का तो कोई जमाना नहीं रहा। क्या बोला? तू बोल के गया कि भलाई का जमाना नहीं रहा। वही तो। क्या बात है? सोड़ी, पोपटलाल, भिड़े मास्टर, सुबह सुबह एक साथ, कोई टेंशन है क्या? बहुत बड़ी टेंशन है यार। और पीड़ू का सुविचार लिखना है, इसको कुछ सूझ नहीं रहा है, इसलिए हम लोग उसको आइडिया दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, एक सुविचार मैं देता हूँ, बड़े मास्टर लिखो। बोलो बोलो। धूप और छाँव का तो लगा रहता है आना जाना। आहा। धूप और छाँव का तो लगा रहता है आना जाना। जीवन का बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा खाना, अच्छा खाना। हाथी भाई, ये सुविचार सिर्फ गोली के समझ में आएगा और किसी के नहीं। करेक्ट है भाई, लड़ाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम्हें खुशी होगी। खुशी? पोपटलाल सोड़ी, खुशी अपने सोसाइटी में जब तक खुशी थी तो पूरी सोसाइटी खुशी में हो गई। हाँ। तो क्यों ना सुविचार भी खुशी को लेकर लिखे। वो बड़ी आइडिया पिडू, सही बात है। सोचो सोचो क्या लिखिए। सोच भी सोच। खुशी 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 के चले जाने से चली गई है खुशी। नहीं नहीं भिड़े, ऐसा मत लिखना भाई, ये पढ़ के तो सब बहुत दुखी हो जाएंगे। मैंने अभी रोना आ रहा है यार। सही बात है। अरे भाई, कौन सी बात सही है? अरे सारे लोग यहाँ पे भाई, क्या बात है, बताएगा कोई? मेहता साहब, हम सब मिलकर यहाँ पे क्या सुविचार लिखे ये सोच रहे हैं। तो अभी हमारे सोसाइटी में खुशी आई थी तो पूरी सोसाइटी कैसे खुशी में हो गई थी, तो खुशी को लेकर कुछ सुविचार लिखना है यहाँ पे, लेकिन क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा है, जिससे खुशी की याद भी आए और एकदम पॉजिटिव भी लगे। बस इतनी सी बात है। लाओ चौक लाओ। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है खुशी। वाह वाह वाह, अप्रतिम मेहता साहब, क्या बात है। थैंक यू थैंक यू। तुसी ग्रेट हो, क्या बढ़िया, आपने सोने जैसे शब्द लिख दिए। इसी बात में गर्मा गर्म चाय हो जाए। चलो सब बाहर चलते हैं। अरे नेकी और पूछ, मैं भी चलता हूँ। वाह 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 पप्पू, क्या आइडिया दिया, सब एकदम मिलकर बाहर जाकर नाश्ता करते हैं, बड़ा मजा आएगा। मेहता साहब आप रहने दीजिए। Aren't you being rude, डॉक्टर आती, मैं क्यों नहीं? नहीं मेहता साहब, आपके चक्कर में हम सब रह जाएंगे। कैसे? अंजलि भाभी को पता चल गया कि आप हमारे साथ बाहर खाना खाने आए हैं, तो आपके चक्कर में हम भी रह जाएंगे। सही बात है। नहीं नहीं, फिर एक काम करते ना, ऑन द कॉन्ट्ररी, तुम लोग मेरे घर चलो। मैं अंजलि को बोलता हूँ मेरे सारे दोस्त आए हैं तो इनके लिए अच्छा अच्छा नाश्ता बनाओ। तुम सबके लिए वो अच्छा नाश्ता बनाएगी तो इसी बहाने तुम्हें भी मिलेगा और मुझे भी मिल जाएगा। नहीं मेहता साहब, हम लोग चांस नहीं ले सकते। हाँ मेहता साहब, पूरा रिस्क है, कहीं आपके चक्कर में हमें भी मजबूरन डाइट फूड ना खाना पड़े। सही बात है। क्या बात है, आज सारा मंडली इधर ही। ओ सुब्रमण्यम अय्यर, ओ आजा, थल्ले थल्ले थल्ले, हम सब मिलके जा रहे हैं फर्स्ट क्लास नाश्ता करने। आजो। अरे सोड़ी, किसी को भी बाहर जाने का जरूरत नहीं है, आज बबीता ने इडली सांबर और उत्तपम बनाया, तुम सब लोग मेरे घर पर आ जाओ नाश्ता करने के लिए। अच्छा। ओहो। अरे वाह अरे वाह, ये तो ज्यादा अच्छा है, आते हैं। अरे आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ चलो। अंजलि। अंजलि। हेलो तारक, कहाँ है आप, जल्दी घर आइए, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया है। अच्छा क्या? नाश्ते में एकदम यूनिक फॉर द फर्स्ट टाइम करेले की चिप्स, नीम फुदरे की चटनी और हाँ मेरी स्पेशल हाफ टी। ठीक है। जल्दी आइए। ओके। चले नाश्ता करने। अरे नहीं भाई बड़े, हम लोगों का नाश्ता और रास्ता दोनों अलग अलग है। आप लोग जाइए अय्यर के घर और इडली सांभर खाइए, मुझे तो घर जाके करेले के चिप्स खाने हैं। भले ही पोपटलाल की शादी नहीं हुई, जेठालाल की जिंदगी में रोज प्रॉब्लम आती है, पर मजे कर रहे हैं ये लोग। सजा तो मुझे ही मिली हुई है,
डाइट फूड। ए भाई ये क्या तरीका है गेम खेलने का, सीधा बैठ उठ। अरे रेने जेठिया आ जा, सुन बापूजी आपके पाँव में खाली चढ़ जाएगी। टप्पू बेटा बापूजी का पाँव कोई तकिया है जो सर रख के सो रहा है वहां पे? उठ बेटा उठ। क्या कर रहा है? सो जा बेटा सो जा। अरे सोने दे ऐसे सोने दे। अरे दादा के लिए उसका पोता उसकी गोद में सर रखकर सोए, उससे बड़ी दुनिया में खुशी की बात और क्या हो सकती है? बापू जी ये आप ठीक नहीं कर रहे। क्या आप हर बार टप्पू की साइड लेते हैं? अरे मैं क्या, दुनिया में जितने भी दादा लोग हैं वो सब अपने पोते की ही साइड लेते हैं। तू जब छोटा था तब तेरे दादाजी भी तेरी ही साइड लेते थे, और टप्पू तो सिर्फ मेरी गोद में सर रखकर सोया है। तू तो अपने दादाजी के कंधे पर बैठकर भवाई देखने जाता था। ओह टप्पू के पापा को कंधे पर बिठा देते। तभी मैं इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा बच्चा था। लेकिन बापूजी की बात सही है, दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे। हाँ तेरी वजह से मैंने उनकी बहुत डांट सुनी है। तो अभी उसकी वसूली अब मुझसे कर रहे। हाँ लेकिन बापूजी सच में आप इसकी साइड लेके बहुत गलत कर रहे। ये देखो सुबह सुबह लेट के गेम खेल रहा है, दूसरे बच्चे वेकेशन का कितना सदुपयोग करते हैं, नए नए कोर्स सीखते हैं, कोई चित्रकाम सीखता है, कोई स्केटिंग सीखता है, और ये इधर लेटा है आराम से। तो टप्पू के पापा बचपन में आपने कौन से कोर्स किए थे? हमारे बचपन में कोर्स शब्द शब्द कोर्स में ही नहीं था, कोर्स सुना ही नहीं था क्या होता है, वरना तो बहुत कुछ सीखता मैं। कभी कभी तो मुझे चिंता होती है क्या होगा इसका। डोंट वरी पापा, जो होगा सुपर होगा। देखा क्या आत्मविश्वास है मेरे टप्पू में। थैंक यू मम्मी। थैंक यू। सिर्फ आत्मविश्वास से कुछ नहीं होता भाई, दो पैसे कमाने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है। हाँ तो पापा मैं अभी आपको दिमाग चला के दो पैसे कमा के दिखा सकता हूँ। चल चल अबे। अरे पापा सच जी लगाइए चैलेंज। नहीं 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 टप्पू के पापा आप चैलेंज मत लगाना, हार जाएंगे। चल बता क्या चैलेंज है। सिंपल है पापा, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे एक सवाल पूछिए। अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आप मुझे 1000 रुपए देंगे, लेकिन अगर मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा। ऐसा कैसे? मैं तुझे 1000 दूं और तू मुझे 500 दे। अरे भाई टप्पू छोटा है तू बड़ा है, तेरा अनुभव ज्यादा है। बोलिए है मंजूर? ठीक है चल मंजूर पूछ सवाल पूछ। अच्छा तो बताइए ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके 8 पैर है, 4 आंखें है, 2 पूंछ है और 1 बड़ी मूंछ है? क्या टप्पू ने कहा ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके 8 पैर है, 4 आंखें है, 2 पूंछ है और 1 बड़ी मूंछ है? अरे भाई उसने जो सवाल मुझे पूछा वो मैंने सुना, ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं भाई। अगर जवाब नहीं आता तो हार स्वीकार कर लीजिए। नहीं भाई जवाब नहीं पता है। तो लाइए 1000 रुपए। लाइए। मैंने कहा था ना आपको आप चैलेंज मत लगाइए, फिर भी लगाइए, हार गए। ये। ए भाई शांति रख। अरे तू ज्यादा खुश मत हो, अभी मेरी सवाल पूछने की बारी बाकी है भाई। पूछे पूछे पापा। तूने जो मुझे सवाल पूछा वही सवाल मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, बता जवाब। मुझे भी नहीं पता, मैं भी हार गया। ये लीजिए 500 रुपए। देखो देखो मेरे दिक्का ने दिमाग चला कर 2 पैसे क्या 500 रुपए कमा कर दिखा दिए। ये तो बिल्कुल अपने सुंदर मामा पे गया है। ये चीटिंग है टप्पू, एकदम हड़ाहड़ चीटिंग है। ये गलत संस्कार किससे सीखे तूने? पापा गलत संस्कार तो तब होंगे ना जब मैं पैसे रख लूंगा, मुझे तो ये 500 रुपए भी नहीं चाहिए। ये लीजिए इन पैसों से बड़ा था आपका आशीर्वाद है, बस मुझे वही देते रहिए। अरे वाह दिक्का बिल्कुल अपने सुंदर मामा पर गया है। पापा मैं आपको एक और सवाल पूछता हूँ। बेटा अपनी मम्मी से पूछ, मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ, चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ चले बाबूजी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ चल बेटा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलता हूँ बाबूजी। हाँ बाय बाय। हाँ बेटा
और मुझे एक किलो टमाटर और गोभी। बोलिए दया भाभी, क्या चाहिए आज आपको? दो साड़ियाँ। साड़ियाँ? सोनीता, तुम्हारे पास सब्जी है, तुम्हें सब्जी खरीदूंगी ना, साड़ियाँ थोड़ी ना खरीदूंगी। क्या दया भाभी, मैं तो आपसे ये पूछ रही थी कि आज आप कौन सी सब्जी लेने वाली हैं? हाँ, पता है, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा सुनीता, मुझे दो दो जोड़ी मेथी और पालक देना। आज टप्पू दिक्का के लिए मेथी का थेपला बनाने वाली हूँ और पालक पनीर भी बनाने वाली हूँ। क्या बात है? अरे वाह, ये देखो बेड़े भाई ने कितना अच्छा सुविचार लिखा है। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है खुशी। वाओ, सो ट्रू। हाँ, इट्स सच एन एक्सीलेंट लाइन। एक्चुअली खुशियाँ बांटने से खुशियाँ बढ़ती है। सो क्यूट। हमारी खुशी बेटी भी सोसाइटी में कितनी सारी खुशियाँ बरसा कर गई है ना? वो तो है। उसो क्यों, खुशी की बहुत याद आ रही है, तो चलो ना सुरभि बहन को फोन करके खुशी की खबर पूछते हैं। ओ कम ऑन, फोन करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट उसके घर जाकर उससे मिल लेते हैं। हे, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, चलते हैं प्लीज। हे मैम आंटी जी। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हमें खुशी के घर जाना ही पड़ेगा। खुशी जब हमारे घर पर थी तो उसके लिए खिलौने, कपड़े और पालना ये सब लाए थे ना, वो उसे देने जाना ही पड़ेगा ना। तो चले चलते, पक्का आइडिया, परफेक्ट, गुड गुड। तो मैं तो कहती हूँ नेक काम में देरी कैसी, आज ही चले चलते। ए, रुकिए, वो पालना तो पोपट भाई लाए थे ना, तो पोपट भाई को जरा एक बार पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो अभी पूछ लेते ना। हाँ। पोपट लाल भाई, पोपट भाई, पोपट लाल भाई, पोपट भाई। क्या हुआ क्या हुआ, कोई रिश्ता है मेरे लिए? अरे चलेगा चलेगा, हाँ बोल दीजिए, कब मिलना है? अरे अरे नहीं नहीं पोपट भाई, रिश्ता तो नहीं आया है, लेकिन जो रिश्ता बन गया है ना उसे निभाना है। मतलब? मतलब खुशी के लिए पालना आप लेकर आए थे ना, तो अभी हम सब लेडीज खुशी के घर उसकी सारी चीजें देने जा रहे हैं, सोच रहे कि पालना भी दे दे, आप क्या कहते हैं? अरे नेकी और पूछ पूछ, वो पालना खुशी का ही है, उसे देना ही चाहिए। वाह, तो चलिए जल्दी नीचे आ जाइए, अभी खुशी के घर जाना है। अच्छा मैं अभी आता हूँ। यस, ग्रेट आइडिया, अब सब खुशी के घर जाएंगे और उसकी मीठी सी स्माइल देखकर आ जाएंगे। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई जरा यहाँ आइए तो। हाँ बोलिए दया भाभी। अब्दुल भाई, हमारे घर पर खुशी का पालना है, वो जरा नीचे उतरना है, जरा मदद करेंगे? ओहो, खुशी का पालना है। अरे खुशी की सेवा करने में जो खुशी मिलती है वो खुशी बाकी सारी खुशियों से कहीं ज्यादा है। मैं खुशी खुशी पालना लेकर आता हूँ। तू अच्छा अब्दुल भाई, आपके तो पूरे सेंटेंस में खुशी 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 आ गया। आ गया मैं। अरे अब्दुल, अच्छा हुआ तो यही मिल गया। चलो हम दया भाभी के घर जाकर खुशी का पालना लेकर आते हैं। हाँ चलो। हाँ सुनीता, मैं आई हूँ। अरे दया भाभी, चंपक चाचा घर पर है ना? हाँ है ना। तो हम जाकर ले आते ना, आप यही रुकिए। चलो चलो। मैं रोशन को फोन करके कहती हूँ फटाफट जीप लेके आ जा, सब साथ में जीप में चलते हैं। चलिए चलिए चलिए, खुशी दिक्का के कपड़े और खिलौने लेकर आ गई। पालना भी रखती है। ओ दया भाभी जी, ओ मेरी सारी पापियों और माय रोशन डार्लिंग, ओ आप सब बहुत महान हो, ग्रेटेस्ट ग्रेट हो। खुशी के घर जाने का सोच के आप सबने बहुत अच्छा किया, खुशी की ना बहुत याद आ रही। हाँ तुझे याद आ रही थी ना, इसीलिए हमने प्लानिंग की। अरे हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा, फटाफट निकलते हैं, खुशी की खुशी भरी मुस्कुराहट देखने की इंतजारी बहुत बढ़ती जा रही है। सॉरी, आप सब लोग जीप पे निकलो, मैं और अब्दुल पीछे टेम्पो में पालना लेकर आते हैं। ओके बाबू, मिलते हैं वहाँ पे। नहीं नहीं पोपट भाई, मेरी दुकान खुली है ना, मैं नहीं आ पाऊंगा। हाँ लेकिन खुशी को मेरी याद जरूर देना। आपकी याद देंगे, गोकुलधाम के सब लोगों की याद देंगे, ये तुलसी क्यारे की याद देंगे, ये हवा की, ये पौधे, ये पेड़, सब की याद देंगे। एक मिनट दया भाभी, हम यहाँ से वहाँ जाएंगे तो सब की याद दे पाएंगे ना? हाँ, बोलो श्री अम्बे माता की जय। मेरी गुड़िया रानी, मेरी प्यारी बिटिया, तू जल्दी बड़ी हो जा, फिर मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगा। मैं क्या बोलूं, हमारी गुड़िया रानी बड़ी हो जाए
हम उसे डॉक्टर बनाएंगे। लल्ला के बाऊजी मशीन लगाइए मशीन। हमारे लल्ला ने अभी यही कहा। नहीं, खुशी को मुझे दीजिए। जाओ मम्मी के पास जाओ। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी खुशी बड़ी होके बड़ी अफसर बने। नहीं, मेरी छोटी बहन तो बड़ी होकर एक फिल्म की हीरोइन बनेगी। अरे तुम सब इसके पीछे क्यों पड़े हो? जब वो बड़ी हो जाएगी ना, वो खुद तय करेगी कि उसे क्या बनना है। मैं क्या बोलूं, हमारी गुड़िया रानी को बड़ी होने दो, वो खुद तय करेगी उसे क्या बनना है। मशीन मशीन ठीक से लगाते नहीं हो और एक ही बात दोहराते रहते हो। मम्मी मैं जाके देखती हूँ कौन है। सुरभी बहन माफ करना, हम सबको खुशी की बहुत याद आ रही थी इसलिए हम लोग आ गए। अरे आप इसे याद कर रहे थे और ये आपको याद कर रही थी। अच्छा, अरे पर ये सब खुशी के लिए पालना खरीदा था ना, वो आपको देना रह गया था तो वो देने आए हैं। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, आप सब यहाँ आ गए यही बहुत है हमारे लिए। हाँ देखो आप सबको देख के कितना खुश हो रही है खुशी। माँ जी अंकल जी, हम सबकी ओर से खुशी के लिए छोटा सा तोहफा, हमारी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया के लिए है ना। अरे सोना मोनी माय क्यूटी पाई, वी ऑल मिस्ड यू सो मच। या खुशी खुशी दिख रहा, जल्दी जल्दी तू मोटी थई जा, फिर बहुत सारी बातें करेंगे और खूब सारे गेम्स खेलेंगे और रोज पार्टी करेंगे। और खुशी दिखा, नवरात्रि में गोकुल डांस सोसाइटी में आना। हाँ मैं तुम्हें गरबा सिखाऊंगी, फिर हम दोनों मिलके गरबा करेंगे। हाँ गरबा करेंगे खुशी। ओ हमारी प्यारी खुशी के मम्मी पापा, वो खुशी को कहीं बहुत ज्यादा हिचकी तो नहीं आती थी? क्यों? वो क्या है ना, हम सब मिलके उसको खूब याद करते थे और कहते हैं ना, जिसको याद करो उसको हिचकी बहुत आती है। फिर तो आप सबको भी बहुत हिचकी आती होगी। हमें क्यों? क्योंकि हमारी खुशी भी आप सबको याद करती है। अब खुशी के साथ रिश्ता ऐसा बन गया है कि याद तो आएगी, लेकिन खुशी दिखा हमें याद करके लोना मत हो, मत रोना दिखा। हाँ खुशी बेबी, दया आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है खुशी, क्योंकि हम सब ने भी तय किया है कि हम भी तुम्हें याद करके हमेशा खुश रहेंगे, है ना? बिल्कुल। अरे मैं क्या कहती हूँ, हम लोग खुशी के साथ एक सेल्फी ले ले प्लीज। अरे वाह वाह वाह, चलो चलो खुशी को पालने में झुलाते हैं। चलो 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 चलो। किसी भी बच्चों को सबसे ज्यादा खुशी माँ की गोद में मिलती है। माँ बाप की खुशी बच्चे की हंसी में होती है। बच्चे जब खिलखिलाते हैं तो घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है और इस खुशी की लहर में सारे ही गम और दुख उड़ से जाते हैं। इसीलिए बच्चों को खुशियों का वाहक भगवान का रूप कहा जाता है। लेकिन आप तो जानते हैं कि हमारे मित्र जेठालाल की जिंदगी में खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं, उनकी जिंदगी में एक टेंशन आने वाला है और उनकी जिंदगी में टेंशन यानी कि आपके घर में हंसी खुशी। हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।